जय हिंद स्टूडेंट। अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे ओएस का स्ट्रक्चर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पर चार टाइप के पढ़ना है बेसिकली। जो हमारे और टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर होते हैं, हमारा सिंपल होता है, हमारा मॉडर्न होता है, लेकिन हम लोग को जो हमारे सिलेबस में है, हम चार टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो होता है मोनोलिथिक होता है, उसके बाद हमारा आता है माइक्रो, उसके बाद फिर हमारा होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर, और हमारा जो लास्ट में हमारा आता है री एंट्रेंट कर्नल। बेसिकली आप यहाँ कर्नल से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट जो होता है वो हमारा कर्नल होता है। कोर पार्ट जो हमारा कर्नल है, तो अब कोर पार्ट कर्नल है तो इसीलिए हम लोग जो स्ट्रक्चर हमारे होंगे हम कर्नल के फॉर्म में देखेंगे। जो हमारे कर्नल का स्ट्रक्चर होगा वही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा। तो इसीलिए हमारा ये माइक्रो कर्नल है, हमारे ऊपर जो हमारा मोनोलिथिक कर्नल है, तो हम यहाँ कर्नल के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कर्नल, तब आप वहाँ पर भी ये चारों कर्नल्स जो हैं इनको लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कर्नल पूछता है तो आप वहाँ पर स्ट्रक्चर में बता सकते हैं, मोनोलिथिक कर्नल, हमारा लेयर्ड कर्नल, हमारा माइक्रो कर्नल, री एंट्रेंट कर्नल, सभी को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं अपना मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर मोनो मतलब मोनो को मतलब होता है हमारा कोई एक सिंगल। तो यहाँ पर क्या होता है मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मीन्स ऑल इन वन पीस। यहाँ पर जो वर्क हो रहा है एक पीस में हो रहा है, जितना भी हमारा सेटअप है वन पीस में है। इन मोनोलिथिक कर्नल यूजर सर्विस एंड कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड अंडर सेम एड्रेस स्पेस। बेसिकली यहाँ पे जो हमारी यूज़र सर्विसेज होती हैं और जो हमारी कर्नल सर्विसेज होती हैं, सभी एक ही एड्रेस स्पेस पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इट इंक्रीजेस साइज ऑफ कर्नल, दस इंक्रीजेस साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब यहाँ पे सब काम जो हमारा एक ही स्पेस में हो रहा है, एक ही एड्रेस स्पेस में हो रहा है, वो जो कि है हमारा कर्नल स्पेस, तो जब कर्नल स्पेस में हमारा सब वर्क हो रहा है तो हमारे जो हमारे कर्नल की साइज होती है वो भी हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जब कर्नल की साइज इंक्रीज होगी तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी साइज इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर दो मोड होते हैं, एक हमारा अपर मोड, हमारा जो यूज़र मोड है, एक हमारा कर्नल मोड। इसे हम लोग यूज़र स्पेस भी बोलते हैं और इसे हम लोग कर्नल स्पेस भी बोलते हैं। तो जितने भी यहाँ पर हमारे वर्क हो रहे हैं, वो हमारी चाहे यूज़र सर्विस हो चाहे हमारी कर्नल सर्विसेज हो, वो दोनों के दोनों हमारे हो रहे हैं कर्नल स्पेस में। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मोनोलिथिक कर्नल। अब यहाँ पर जो सर्विसेज हो रही हैं, मोनोलिथिक कर्नल जो है अपना सिस्टम से हार्डवेयर जो है उससे अपना इंटरेक्ट करके जो भी काम करवाना है वो अपना करवा रहा है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें कि इसका क्या एडवांटेज है मोनोलिथिक कर्नल का यूज़ करने का, तो मोनोलिथिक कर्नल का यूज़ करने का जो हमारा मेन एडवांटेज होता है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। सब काम जो हमारे यूज़र सर्विसेज हैं, चाहे वो हमारी कर्नल सर्विसेज हों, वो सब चीज़ें एक ही जगह पर हमारी इम्प्लीमेंट हो जा रही हैं। जब एक ही प्लेस पर हमारा इम्प्लीमेंट हो जा रहा है तो हमारी वहाँ पर जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब हमारा यूजर सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज दोनों हमारी कर्नल स्पेस में हो रही हैं तो उसकी साइज बढ़ जाती है, तो साइज इज लार्जर। अब क्या है हार्ड टू एक्सटेंड, हार्ड टू एक्सटेंड का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक ही स्पेस में ऐसे ही बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो जब हमें कोई और सर्विस को हमें यहाँ पर एक्सटेंड करना होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हार्ड टू पोर्ट, ये इसमें जो पोर्टेबिलिटी होती है इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। मोर प्रॉन टू एरर एंड बग्स, अब यहाँ पर क्या है कि एक ही जगह पर सब कुछ भरा हुआ है, मोनोलिथिक है, तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बग्स हो रहा है, कोई एरर हो रही है, तो जब उसको हम लोग ढूंढते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है। अब एक ही जगह पर बहुत सारे काम हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिक्कत होती है। इसके बाद जो हमारा माइक्रो कर्नल आता है, माइक्रो कर्नल में हमें ये सब प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम थी। तो इसको हम लोग देखते हैं कि माइक्रो कर्नल होता क्या है। माइक्रो कर्नल होता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफिनीशन से देखते हैं। इन माइक्रो कर्नल यूजर सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एड्रेस स्पेस। बेसिकली हमारे पास दो सर्विसेज होती हैं, कर्नल सर्विसेज और यूजर सर्विसेज। जो हमारा मोनोलिथिक कर्नल था वहाँ पे क्या था कि जो हमारी यूजर सर्विसेज थी और जो हमारी कर्नल सर्विसेज थी दोनों एक एड्रेस स्पेस पे इम्प्लीमेंट होती थी, तो इसीलिए उसे मोनोलिथिक कर्नल कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दोनों सर्विसेज अलग अलग स्पेस पे इम्प्लीमेंट होती हैं। अब जब अलग अलग
सर्विसेज अलग अलग स्पेस पे इम्प्लीमेंट होंगी तो यहाँ पे क्या होता, देयर फोर इट आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ कर्नल एज वेल एज द साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब कर्नल सर्विस और यूजर सर्विसेज अलग अलग जगह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारे कर्नल की साइज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब जब कर्नल की साइज़ रिड्यूस होगी तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी साइज़ रिड्यूस होगी, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट जो हमारा होता है वो कर्नल होता है। इन दिस आर्किटेक्चर ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज आर प्रेजेंट इनसाइड कर्नल एंड रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर प्रेजेंट इनसाइड सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम। बेसिकली जो हमारे माइक्रो कर्नल में होता है, जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट कोई सर्विस होती है उसको हम लोग रखते हैं कर्नल में, उसके अलावा जितने भी हमारी सर्विसेज होती हैं हम उसको सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम पे रखते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट प्रोसेस एंड सर्विस रनिंग इन यूज़र एड्रेस स्पेस इज एस्टेब्लिश थ्रू मैसेज पासिंग दस रिड्यूस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो अलग अलग स्पेस पे वर्क हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई हमारा मैसेज का अगर ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे में, हमें मैसेज को पासिंग करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा टाइम टेकन जाएगा, जिससे कि क्या होगा हमारा जो स्पीड होगी एग्जीक्यूशन की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमारे दो जगह हो रहा है। जैसे आप अगर दो जगह काम कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमें दोनों जगह पासिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा, जैसे हमारा एग्जाम्पल इसका होता है मैक ओएस हमारा जो माइक्रो कर्नल का एग्जाम्पल होता है, जो हमारे लैपटॉप में होता है, हमारे मैक का जो आईफोन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कर्नल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे डायग्रामेटिक देखें तो हमारा यहाँ पे दो पार्ट है, एक हमारा यहाँ पे यूज़र स्पेस है, एक हमारा कर्नल स्पेस है। तो हमारे जितने यूज़र प्रोसेस है वो हमारे यूज़र वन हो, यूज़र टू, यूज़र एन, जितने भी हमारे हैं जो हमारी उसकी सर्वर प्रोसेस रहेंगी, ये सब हमारी रहेंगी यूज़र स्पेस में, ये सब यूज़र स्पेस में वर्क करेंगे। और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस होगी वो हमारे कर्नल में होगी। तो ये दोनों का डिवीज़न हो जाता है। यहाँ वहाँ पे क्या होता था मोनोलिथिक में कि दोनों एक ही स्पेस में कर्नल में होती थी, वो चाहे यूज़र सर्विस हो वो चाहे हमारी कर्नल सर्विसेज हो। फिर इसके बाद हमारा कर्नल अपना हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, जो भी वर्क कराना होगा वो आगे प्रोसीड हो। इन सब की बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। सिंपली अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें कि जो हमारे कर्नल स्पेस का वर्क होता है, केवल जो हमारे यूजर प्रोसेस होते हैं और जो हमारे सर्वर प्रोसेस होते हैं उन दोनों के बीच में हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, और जितने भी वर्क होते हैं हमारे, जो हमारी यूजर सर्विसेज होती हैं वो हमारे यूजर स्पेस में वर्क करते हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो होता है माइक्रो कर्नल होता है ये छोटा होता है। अब अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका जो है हमारा साइज जो है स्मॉलर होता है, क्योंकि साइज हमारा रिड्यूस हो जाता है। इजी टू एक्सटेंड, अगर हमें कोई सर्विस वगैरह जो है उसको अगर एक्सटेंड करना है तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इजी टू पोर्ट, इसमें हमारी जो पोर्टेबिलिटी भी होती है वो भी काफ़ी इजी होती है। लेस प्रोन टू एरर एंड बग्स, हमारा जो अगर कोई एरर आ रहा है, कोई बग्स आ रहा है, ये उनको अगर हमें ढूंढना है तो इसमें भी हमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये दो पार्ट में होता है और माइक्रो मतलब छोटा पार्ट है। जब कोई छोटी चीज़ होती है तो उसमें प्रॉब्लम वगैरह अगर बग्स हैं उनको फाइंड करना है तो कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है। मोनोलिथिक में क्या था, सभी सर्विसेज एक जगह होती थी तो वहां प्रॉब्लम होती थी। डिसएडवांटेज की बात करें तो वही हमारा मेन जो डिसएडवांटेज है, एग्जीक्यूशन इज स्लोअर, जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा वो स्लोअर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो दो पार्ट में हमारा यहाँ पे डिवीजन होता है। अगर यहीं पे थोड़ा सा बात कर लें हमारे जो माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल का जो डिफरेंशिएशन है वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता है ये काफ़ी पूछा जाता है 5 नंबर में कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल। तो अगर साइज के पैरामीटर में बात करें, साइज में क्या होता है, तो हमारा जो माइक्रो कर्नल, माइक्रो नाम से पता चलता है ये छोटा होता है और मोनोलिथिक हमारा लार्ज होता है। स्पीड के पैरामीटर में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर जो हमारे नोट्स में है प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा इन दोनों का इधर उधर हो गया है। यहाँ पे हमारा जो माइक्रो कर्नल में होती है यहाँ पे हमारी जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन होती है वो स्लोअर होती है, और मोनोलिथिक कर्नल में हमारी ये स्पीड हो जाती है फास्टर। ये चीज़ आप नोट्स में सही कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक्सटेंडेबिलिटी की बात करें तो जो हमारा माइक्रो कर्नल में होता, हमने बात की हमें कोई सर्विसेज को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे हमारा इजी होता है, लेकिन अगर मोनोलिथिक कर्नल की बात करें तो वहाँ हमें हार्ड होता है।
पोर्टेबिलिटी भी हमारा जो माइक्रो कर्नल में होती है वो इजी होती है और मोनोलिथिक में हार्ड होता है। अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम या हमारा कोई बग्स वगैरह को है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो माइक्रो कर्नल में हम इजीली कोई बग्स को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो छोटा पार्ट होता है, जो मोनोलिथिक होता था वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता था, तो उसमें क्योंकि सभी सर्विसेज एक ही प्लेस पर होती थी तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती थी कोई बग्स वगैरह है, कोई हमारे इरर हैं उनको फाइंड करने में। तो ये चीज़ हमारे जो डिफरेंशिएशन होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, आप इसको ईजिली वहाँ पर लिख सकते हैं।